कनिष ने इस शहर को आबाद किया और तब से पेशावर जो है यहाँ पे है और मैं हूँ अभी इस्लामी यूनिवर्सिटी में, मेरी बैक साइड पर है। सो देखते हैं इसको अंदर जाके डिटेल। तो म्यूज़ियम से निकल के हम जा रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी और इसके लिए हम सेम रोड यही किले से गुजरता है और मेट्रो बस के साथ साथ जो जाता है वही रोड लेके हम अभी उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, ये एक यूनिवर्सिटी के पीछे से रोड आ रहा है और आई होप इधर ही गेट होगा। और ये हम आ गए यूनिवर्सिटी की रोड पर। बड़ा खूबसूरत रोड है, दोनों तरफ सब्जा है और हरे भरे दरख्त हैं। और ये हम यूनिवर्सिटी के अंदर और इस तरह के ये छोटे छोटे रास्ते और ये कॉरिडोर्स, ये और ये फूल और ये ग्रीनरी हर तरफ, ये एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के माहौल को बेहतरीन बनाने के लिए जैसा कि लगाए जाते हैं और यहाँ भी लगाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं थोड़ा इस यूनिवर्सिटी के बारे में और इसकी हिस्ट्री। इस्लामिया कॉलेज की अगर बात करें तो ये इसके बारे में अभी काफ़ी रवायत है, लेकिन इसको अगर बाकायदा से जब मेंटेन किया गया, बाकायदा से एक दरसगाह का जो ना दर्जा दिया गया, तो वो 1913 में मलका विक्टोरिया या ब्रिटेन की जानब से ही इसको मेंटेन किया गया। हम लोग ब्रिटेन को बहुत बुरा कहते हैं, उन्होंने ये किया, लेकिन जहाँ पे ब्रिटेन अपना ये अगर हुकूमत करके गए हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हमें देखे गए हैं और उनमें से ये एक मेरे पीछे भी तोहफा आपको नज़र आ रहा है इस्लामिया कॉलेज में शामिल। ऊपर से अगर यूनिवर्सिटी के एरियल व्यूज देखे जाएं तो इसकी बिल्डिंग, इसके लैंडमार्क बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। और ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक मस्जिद बनाई गई है ताकि स्टूडेंट को नमाज अदा करने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। और इस यूनिवर्सिटी को देखने मेरे साथ मेरा एक जर्मन दोस्त भी आया है, तो देखते हैं उसकी क्या राय है इसके बारे में। तो मिलिए मिस्टर मिशाइल से। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन आफ्टर अ लवली टी दैट वी हैड एट वन ऑफ द चाय फारास। वी आर नाउ हियर एट द रिनाउंड इस्लामिया कॉलेज इन इंशाल्लाह। Constructed in the late 1800s, this college hosts many departments that are at equal par with some of the most renowned universities of the world. Here, as you can see, students are having a bit of a leisure time out of their busy academic life on a Sunday afternoon. I would highly recommend you coming here and looking at this glorious building which is up by that. तो पेशावर की ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी आबादी के बीचों बीच में, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, इसके चारों तरफ आबादी है। तो इस घनी आबादी में जहाँ शोर शराबा, पोल्यूशन और हर तरह की ये चीज़ें हैं, उसके बीच में ये एक नीट, क्लीन और ग्रीनरी से ढकी हुई पीसफुल जगह है इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर।
एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अलावा अगर आपको एक नाइस टाइम स्पेंड करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आज के दिन पेशावर यूनिवर्सिटी के ये जो स्टूडेंट हैं ये कुछ एहतजाज भी कर रहे हैं, जैसा कि नॉर्मली तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स चलती है, बट ये एक कोई सीरियस इशू के बारे में ये कर रहे थे। तो कुछ से बात भी हुई और उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में और यूनिवर्सिटी के हालात के और उनकी यहाँ पर क्या सरगर्मी होती हैं उनके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। पेशावर की गलियों के फुल मज़े ले रहे हैं एंड लोकल फूड्स हमने बहुत इंजॉय किए एंड अभी नाउ आर मूविंग टुवर्ड्स, हम एक शॉप देख रहे हैं जहां से हमें ऑक्स केबल मिल जाए। तो जी, बाहर बहुत फोग है जैसा कि आपको नज़र आ रही है और बहुत ठंड है, और गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है देखते हैं। ओ, गाड़ी के अंदर है बड़ी हॉटनेस। तो जी, पेशावर का ट्रिप बहुत अच्छा रहा और हम अभी जा रहे हैं वापस इस्लामाबाद और हमें अभी पेशावर मोटरवे पे। और ये बस रस्ते में ऐसे ही जाते हुए सफ़र को थोड़ा यादगार और अच्छा बनाने के लिए और बोरिंग फ्री बनाने के लिए गालिब ने ये थोड़ा मस्ती मजाक किया। एंड रियली गालिब से अच्छा इंसान मुझे आज तक नहीं मिला ज़िंदगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और जो दोस्त पेशावर आना चाहते हैं उनसे शेयर भी करें। तो मैं ऐसी ट्रैवल की वीडियोस हर हफ्ते डालता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपको मेरे चैनल को सपोर्ट भी होगी और जो भी वीडियोस मैं डालूँगा वो आपके पास पहुँचती रहेंगी। पाकिस्तान में आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, हुंजा, स्कर्दू, मरी, अयूबिया, नथिया गली, सब जगह की मेरी प्रॉपर गाइड के साथ वीडियोस पड़ी हैं, उनको ज़रूर देखिए, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।